देखिए, आज थाना सोनकपुर से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सुदेश उर्फ नन्ने, ये ग्राम बैठला थाना हजरत नगर गढ़ी के रहने वाले हैं। दूसरे गुलाम मोहम्मद हैं, ये भी ग्राम बैठला के रहने वाले हैं। तीसरे हैं अबरार, ये ग्राम बैठला थाना हजरत नगर गढ़ी संभल जनपद के रहने वाले हैं। और एक इनके साथ में मित्रपाल पुत्र अंतराम, ये ग्राम खरखोदा थाना डिडोली के रहने वाले हैं अमरोहा के। 19 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें एक आनंद नाम के जो व्यक्ति, आनंद और गुड्डू नाम के व्यक्ति की थाना सोनकपुर में हत्या कर दी गई थी। और हत्या के बाद में उनकी जो डेड बॉडी है उसको गन्ने के खेत में डाल दिया गया था। इसी पे मेरे द्वारा और समस्त हमारे अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, और ये देखा गया कि ये घटना पूरी प्लानिंग के साथ में की गई है, और कोई ना कोई इसके पीछे कोई मोटिव इनका रहा है। इसी पे हम लोगों ने काम किया, और हमारे SPRA साहब, क्षेत्राधिकारी बिलारी और थाने की टीम में, SOG की टीम ने इसमें काम किया। और ये जानकारी मिली कि जो आनंद है, ये घर में अकेला भाई है, तीन इनकी बहनें हैं, और इसके अलावा इनकी पहले तीन शादियाँ हुई थी, लेकिन वो पत्नियाँ छोड़ के चले गई थी। इनके पास में करीब 9 बीघा ज़मीन थी, जिसमें से 3 बीघा ज़मीन ये पहले बेच चुके थे, और 6 बीघा ज़मीन बची हुई थी, जिसका कि इनके द्वारा गांव के एक व्यक्ति को बेचने का सौदा किया गया था करीब 14 लाख रुपया बीघा के हिसाब से। और उसमें करीब इनको 1.5 करोड़ के आसपास में रुपया इनको मिलना था, और उसी पैसे को लेकर इनके जो सगे बहनोई हैं मित्रपाल, उनकी ये निगाह थी कि इनके जो और जो दो बहनोई हैं उनको ये पैसा मिल जाएगा और मुझे ये नहीं मिलेगा। तो ये पूर्व में भी इन्होंने ये प्रयास किया था, और एक अबरार नाम के व्यक्ति को, जिसने कि जो मृतक है उससे 4.5 लाख रुपया उधार भी ले रखा था, तो उसको इन्होंने सेट किया पहले, और उनको करीब 40,000 रुपये में इनकी सुपारी दी गई थी करीब साल भर पहले। और उस दौरान उसने भी इसको मारने का प्रयास किया, और लेकिन ये उस समय बच गया था। उसके बाद में दोबारा जब ये ज़मीन का सौदा हो गया, तो मित्रपाल ने पुनः इसमें सुदेश उर्फ नन्ने और जो गुलाम मोहम्मद है, इन दोनों लोगों को 80,000 रुपये में इसको मारने के लिए सुपारी दी थी, और उसके एवज में इनको 20,000 रुपये नकद भी इनके द्वारा दिया गया था। और 19 तारीख को ये पहले से आपस में एक दूसरे से परिचित थे, मृतक से जानते थे, तो मृतक को ये शराब पिलाने के बहाने पहले ठेके से इन्होंने शराब लिया, और उसके बाद में गन्ने के खेत में ट्यूबवेल के पास में जाके इन्होंने शराब पिया थोड़ी देर, और उसी दौरान फिर इन्होंने चाकू से उसका गला रेत दिया, और उसके बाद में उसकी जो डेड बॉडी है उसको वहीं पास में गन्ने के खेत में छुपा दिया, और उसकी मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ दिया। इसके अलावा उसके पास में एक मोबाइल था, जिसको ले जाके इन्होंने जला दिया, जिसको भी उसका जली हुई अवस्था में उसको रिकवर किया गया है। आज इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस, एक जो आला कतल छुरी और जला हुआ मोबाइल और दो मोटरसाइकिल, जिसमें एक मृतक की और दूसरी जो इन लोगों के द्वारा घटनास्थल पर जाया गया था, जिस घटना के दौरान जिस मोटरसाइकिल को यूज किया था, वो इनसे बरामद हुई है। और ये जानकारी मिली कि इन्होंने इसको काफ़ी प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था, और सिर्फ पैसे के लालच में सगे बहनोई के द्वारा इस घटना को मतलब कराया गया था। तो इसमें दो लोगों को 302 IPC के तहत इनको जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी जो दो लोग हैं उसको 120B और 200 IPC 302 के तहत इनको मुकदमा पंजीकृत करके और इन लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी भी इसमें जाँच की जा रही है कि कोई इस तरह का कोई और व्यक्ति तो नहीं है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। यदि कोई इस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके आधार पर इनकी कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी, और इसमें शीघ्र चार्जशीट सबमिट करते हुए इन लोगों को सजा दिलाने का भी इसमें काम किया जाएगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।